हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस रोपड़ जेल से बांदा रवाना। भारी सुरक्षा में सोनीपत पहुंचने वाला है मुख्तार का काफिला। रोपड़ जेल में कागजी कार्रवाई के बाद यूपी पुलिस के हवाले किया गया मुख्तार। जेल में हुआ मुख्तार का मेडिकल चेकअप। मुख्तार को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। काफिले में यूपी पुलिस के करीब 100 जवान मौजूद। सुबह एम्बुलेंस के साथ रोपड़ पुलिस लाइंस पहुंच गई थी यूपी पुलिस की टीम। एम्बुलेंस में 4 लोग थे सवार। मुख्तार अंसारी की पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, एनकाउंटर से सुरक्षा दिलाने और निष्पक्ष ट्रायल की मांग की। पंजाब में लावारिस मिली एम्बुलेंस को लेकर बाराबंकी पहुंची पुलिस। एआरटीओ प्रशासन की टीम कर रही है जांच। बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस केस में मऊ से एक की गिरफ्तारी। मुख्तार को भी 4 अन्य लोगों के साथ आरोपी बनाया गया। बंगाल में शाम 5 बजे तक 68% से ज्यादा वोटिंग। केरल में 58% से ज्यादा लोगों ने किया मतदान। तमिलनाडु में 54% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। पुडुचेरी में करीब 67% वोटिंग। हावड़ा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, बंगाल की कौन सी छवि पेश कर रही है दीदी? प्रधानमंत्री बोले, ममता ने बंगाल के लोगों को धोखा दिया है। दीदी मुझे गालियां दे रही हैं, उन्हें हार की हताशा है। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों में 2 मई के बाद टीएमसी के बिखरने की हो रही है चर्चा। टीएमसी के अंदर भी गुस्सा तेज। प्रधानमंत्री बोले, केंद्रीय बलों को बदनाम कर रही है ममता बनर्जी। मुसलमान भी दीदी के हाथ से निकल गए। बंगाल के कूचबिहार में प्रधानमंत्री ने जनसभा की, कहा बीते 2 चरणों में दीदी का जाना तय। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, बोले बंगाल में बीजेपी की लहर ने दीदी के गुंडों और उनके भाई को किनारे लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया, कहा बंगाल में दीदी ने भाई को सर्विस टैक्स शुरू कर दिया है। बंगाल में मतदान के दौरान भारी हिंसा। रामबाग में कार्यकर्ताओं को बचाने खेतों में दौड़ी टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल का आरोप, बीजेपी के गुंडों ने महिलाओं को दी धमकी। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग से की शिकायत, कहा सुजाता का पीए घायल। ममता ने अपनी रैली में उठाया टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल का मुद्दा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुजाता मंडल को खदेड़ा। अलीपुरद्वार में ममता की रैली, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जबरन बूथ कब्जे के आरोप। ममता ने कहा, हमारे उम्मीदवार पर हमला। केरिंग ईस्ट में टीएमसी उम्मीदवार को मतदान केंद्र पर जाने से रोका। ममता ने कहा, सुबह से हिंसा और हमले की 100 से ज्यादा शिकायत आई, चुनाव आयोग ने नहीं की कार्रवाई। दक्षिण उलबेरिया में घायल बीजेपी कार्यकर्ता का हाल जानने अस्पताल पहुंची बीजेपी उम्मीदवार। पापी अधिकारी पर हमला, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मारा। उलबेरिया उत्तर के टीएमसी उम्मीदवार निर्मल मांझी के खिलाफ नारेबाजी, नाराज लोगों ने इलाके से खदेड़ दिया। निर्मल मांझी के सामने लगे जय श्री राम के नारे, भीड़ ने गाड़ी का पीछा किया, नारेबाजी भी होती रही। बंगाल के साउथ 24 परगना में हिंसा। कैनिंग में बीजेपी पोलिंग एजेंट की पिटाई, पैर तोड़े गए। हुगली के तारकेश्वर में भी बवाल मचा, बीजेपी कार्यकर्ता का घर और दुकान को तोड़ा गया। टीएमसी पर लगे आरोप, बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी के पीए को पुलिस ने मारा थप्पड़। रविंद्रनाथ नगर में धरने पर लॉकेट चैटर्जी बैठी थी। पश्चिम बंगाल के हुगली के गोघाट में बीजेपी कार्यकर्ता की मां की हत्या, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। पुलिस के मुताबिक गोघाट के बाडागंज में महिला के घर कुछ लोग घुस गए थे, अपने बेटे को बचाने आई महिला की भी पिटाई की। वर्धमान जिले के दुबराजपुर में बीजेपी के बूथ वाइस प्रेसिडेंट की हत्या, घर पर कोहराम। उलबेरिया में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, टीएमसी नेता के घर ईवीएम और वीवीपैट मिलने के मामले में चुनाव अधिकारी तपन सरकार निलंबित। ईवीएम पकड़े जाने के बाद से इलाके में तनाव, ग्रामीणों ने सेक्टर अधिकारी को पकड़कर किया प्रदर्शन। टीएमसी नेता के घर ईवीएम मिलने को केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने धांधली बताया, जांच की मांग की। चुनाव के बीच ईडी की बड़ी कार्रवाई, अनूप मांझी की 165 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। असम में शाम 5 बजे तक 68% से ज्यादा लोगों ने दिया मतदान। असम के मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में मतदान किया। जालुकाबरी से चुनाव मैदान में हेमंत। आज AIUDF के गढ़ निचले असम में भी वोट डाले जा रहे हैं। हेमंता ने धुबरी में पार्टी के कमजोर होने की बात मानी। तमिलनाडु में भी सभी सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी। सीएम पलनीसामी ने एडापति में वोट डाला। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम पलनीसेल्वम ने पेरियाकुलम में वोट डाला। AIADMK के लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने की उम्मीद जताई। सुपरस्टार रजनीकांत ने चेन्नई के स्टेला मैरिस पोलिंग बूथ पर वोट डाला। मकलनिधि मयम पार्टी के नेता कमल हासन ने भी चेन्नई में किया मतदान। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने चेन्नई के सीएट कॉलेज में वोट डाला। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने शिवागंगा जिले के कंदुरनूर में वोट डाला। कहा तमिलनाडु की जनता बदलाव चाहती है। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ती ने शिवगंगा में वोट डाला। शिवगंगा से सांसद हैं कार्ती। तमिलनाडु के वोटर्स लिस्ट में शशिकला का नाम गायब। शशिकला अधिकारियों के खिलाफ करेंगी कानूनी कार्रवाई। तमिल फिल्मों के स्टार विजय साइकिल चलाते हुए वोट करने पहुंचे। चेन्नई के मतदान केंद्र पर वोट डाला। तमिलनाडु के एक्टर्स ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अजीत ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। 1000 लाइट्स विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार खुशबू सुंदर ने चेन्नई में किया मतदान। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कन्नूर में वोटिंग की और जीत की उम्मीद जताई। केरल के पेनानर में मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने भी वोट डाला। अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे बीजेपी नेता श्रीधरन। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी। दिल्ली में नाइट
कर्फ्यू के दौरान ई पास दिखाने पर ही आने जाने की छूट मिलेगी, जरूरी सेवाओं को छूट। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, आज से दिल्ली में 24 घंटे टीकाकरण होगा। अभी तक दिल्ली में रात 9 बजे तक ही टीके लग रहे थे, अब रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक खुलेंगे एक तिहाई वैक्सीनेशन सेंटर्स। दिल्ली में कोरोना के 3548 नए केसेस, 15 मरीजों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई। दिल्ली मेट्रो के पटेल चौक, नई दिल्ली, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर फिलहाल एंट्री को किया गया बंद, बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वीकेंड लॉकडाउन पर फैसला लेने को कहा, राज्य में लॉकडाउन की जरूरत बताई। नागपुर में व्यापारियों ने लॉकडाउन का विरोध किया, सड़क पर जमा हुए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 96,982 नए केसेस, 446 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में फिर एक दिन में कोरोना के 47,000 से ज्यादा केसेस आए, 24 घंटे में 155 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वैक्सीन लगने का रिकॉर्ड बना, एक दिन में लगे 43 लाख से ज्यादा टीके। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से बिगड़ते हालात पर करेंगे चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। बिहार में कोरोना को लेकर नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग, प्रदेश में टेस्टिंग और तेज करने का फैसला। बिहार में सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और उनके परिवार वालों की टेस्टिंग होगी, प्रखंड स्तर पर फिर से तैयार होंगे क्वारंटीन सेंटर। केंद्रीय इस्पात मंत्री फगन सिंह कुलस्ते को कोरोना हुआ, दिल्ली एम्स में भर्ती। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद फैसला, बॉक्सिंग कुश्ती समेत कई खेलों का आयोजन रोक दिया गया है। वर्ल्ड बैंक ने सीरम इंस्टीट्यूट की तारीफ की, भारत को बताया खुश नसीब, कहा भारत के पास वैक्सीन का बड़ा उत्पादक। बीजेपी स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा विचारधारा को लेकर जीना मरना बीजेपी कार्यकर्ताओं की विशेषता, वंशवाद और परिवारवाद पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कुछ दलों ने वोट बैंक के लिए नकली सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गलत नैरेटिव बना रहे हैं कुछ लोग, सीएए कृषि कानून को लेकर भी झूठ फैलाया। अमेरिकी राजनयिक जॉन कैरी ने दिल्ली में निर्मला सीतारमन से की मुलाकात, पर्यावरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत हैं। बुधवार को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए 14 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने किया रजिस्टर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस एनवी रमन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय का चार्ज लेने से पहले शरद पवार से मिले दिलीप वलसे पाटिल, कहा आशीर्वाद लेने आए थे। मां वसूली कांड में सीबीआई ने जांच शुरू की, याचिकाकर्ता वकील जयश्री पाटिल से सीबीआई की टीम ने किया संपर्क। अनिल देशमुख मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। मनसुख मर्डर केस में सचिन वाजे को लेकर सीएसटी पहुंची एनआईए की टीम, सीएसटी से ही ठाणे के लिए ट्रेन पकड़ी गई थी। सीसीटीवी में 4 मार्च को सीएसटी स्टेशन जाते हुए वाजे दिखा, 5 मार्च को ठाणे की क्रीक में मनसुख का मिला शव। कल दमन से बरामद बाइक मीणा जॉर्ज के नाम पर रजिस्टर्ड है, सचिन वाजे करता था इस्तेमाल। जोधपुर के फलौदी जेल से 16 कैदियों के भागने का मामला, हेड कांस्टेबल समेत 4 अधिकारी सस्पेंड। कर्नाटक में बुधवार से रोडवेज कर्मचारियों की होगी हड़ताल। दिल्ली के पंजाबी बाग में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्लैब गिरा, हादसे में एक मजदूर की जान गई। दिल्ली में यमुना नदी में फिर बड़ा प्रदूषण, कालिंदी कुंज में नदी में सफेद झाग। जम्मू के गांधीनगर के तेंदुए में हमले के एक शख्स घायल हुआ, तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें जारी। हिमाचल के लाहौल में बर्फबारी, मनाली लेह मार्ग बंद हुआ, राज्य में 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की आशंका। पंजाब के जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, 500 ग्राम हेरोइन के साथ अफ्रीकी मूल के 2 शख्स की गिरफ्तारी। हरियाणा पुलिस ने प्रतिबंधित दवा के 50,000 टैबलेट्स पकड़े, सिरसा जिले में एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के टिहरी में जंगलों की आग बुझाने का काम जारी, ऑपरेशन में एमआई हेलीकॉप्टर्स भी शामिल किए गए। गुजरात के आनंद में चलती बस में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उड़ीसा के संबलपुर में गर्मी शुरू होते ही लोगों की पानी की परेशानी बढ़ी, गांव वालों को टैंकर कम आने से ही पानी मुश्किल से मिल रहा है। रूस के संविधान में बड़ा बदलाव, 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं पुतिन। अमेरिका के टेक्सास में पुलिस ने चुराई गई एम्बुलेंस का पीछा किया, 1 घंटे तक पीछा करने के बाद एम्बुलेंस पकड़ी गई। आज दिन ज्वालामुखी से फिर निकला लावा, ज्वालामुखी देखने आए लोगों को आसपास के इलाके से हटाया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में भाग नहीं लेगा नॉर्थ कोरिया, कोरोना महामारी की वजह से फैसला। जापान को नॉर्थ कोरिया संग बातचीत से मुद्दे के सुलझने की उम्मीद, खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं देने का भरोसा। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टर्स के निर्देश पर खुद को किया होम क्वारंटीन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।